आलू का पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए गुटा हुआ आटा, उबले हुए आलू, एक बड़ा प्याज कटा हुआ, 8 से 10 लहसुन की कलियां कटी हुई, 2 से 3 हरी मिर्ची कटी हुई, सौंफ, एक बाउल तेल जो हम छौंकने और पराठा बनाने दोनों में इसको काम में लेंगे, हींग, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और जीरा। सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे और उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और उसको गर्म होने देंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है हम अपने आलू मैश कर लेंगे, इनको हम मैश कर लेंगे। ये हमारे आलू मैश हो गए हैं, अब हमें इसमें मसाला डालेंगे, ये हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च और नमक इसमें हम इनको डाल लेंगे इसमें ही, और इसको हम मिला लेंगे, डाल के अच्छे से हम इनको मिला लेंगे। अभी हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, अब हम इसमें सबसे पहले जीरा पाउडर जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, सौंफ डालेंगे, ऐसे कटा हुआ प्याज डालेंगे और लहसुन डाल देंगे और हमें हल्का भूरा होने तक, ज्यादा नहीं हल्का भूरा होने तक हमें तलेंगे। और हमारे ये ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनमें हरी मिर्ची डालेंगे, हरी मिर्ची थोड़ी सी पक जाएगी तब तक थोड़ा सा इसको ठीक से देख लेंगे, थोड़ी सी सही हो जाएगी, थोड़ी सी हल्की सी जाएगी। उसके बाद हम इसमें जो हमने ये आलू की चटनी बनाई थी मसाले मिला के, वो उसे हम इसमें डालें। ये हमारा पराठों में भरने का मसाला तैयार हो गया है, इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है और ये भरने के लिए तैयार हो गया है। अब हम पराठे बनाएंगे। सबसे पहले हम ये आटा लेंगे और इसको ऐसे बॉल बनाएंगे और इसको सूखे आटे में डाल के इसे रोटी में बेलेंगे, गोल बेल लेंगे। बिल्कुल इसमें हम मसाला भरेंगे जो हमने तैयार किया था, मसाले को डालेंगे। अब इसको हम ऐसे जैसे कचौड़ी रैप करते हैं इस तरह से रैप करेंगे इसको, और इसको ऐसे बंद करके वापस सूखा आटा लगा के इसको हम वापस बेलेंगे। हमको बहुत हल्के हाथ से इसे बेलना है ताकि
ये आलू इसमें से ना निकले और हमारा तया हमने गर्म होने रखा था ये अब हम इसको देखेंगे। हमने तया भी रख दिया है, गर्म हो गया है नहीं इसको देखने के लिए हम इसमें थोड़ा सा आटा डालेंगे। अगर ये आटा कलर चेंज हो जाएगा इस आटे का तो हमारा तया गर्म हो गया है। देखो हमारा चेंज हो रहा है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम ये जो हमने पराठा बनाया था इसको हम उस पर डाल देंगे और उसको हम सेकेंगे। ऑयल लगाएंगे, ये वही ऑयल है जो हमने पहले लिया था, उसमें से हमने 1 चम्मच मसाला बनाने में ले लिया था और बाकी का हम इसको पराठे बनाने में यूज कर लेंगे। दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगा देंगे ऑयल। आप चाहे तो इसको इस पर घी लगा सकती हैं या मक्खन लगा सकती हैं, उससे भी हम बना सकती हैं, आप कोई रिफाइंड से भी बना सकती हैं। मैंने इसमें ऑयल लिया है और हम इसको अच्छे से दबा के फिर सेक लेंगे ताकि कहीं से भी कच्चा ना रहे। इसकी फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। जब तक ये सिकता है हम दूसरा पराठा बना लेंगे। इसके लिए वही हम पहले की तरह बॉल बना के इसको रोटी इसकी बना लेंगे गोल, इसको गोल बेलेंगे। इसमें बारीक का मसाला डाल के इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिलेंगे तब तक हमारे सिक जाएगा। ये हमारा पराठा सिक चुका है, इसे हम सर्विंग बाउल में रख देंगे। ऐसे ही हम दूसरा पराठा बना लेंगे। देखो हमारे पराठे का कितना अच्छा कलर आया है। और ऐसे ही हम ये दूसरा पराठा सेकेंगे। ये हमारा सिक गया है दूसरा पराठा, इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। इसको हम अचार या चटनी या सब्जी किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको यह मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।